अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी, ये देख रहे हो ये ट्राइंगल, ये ए बी सी देख रहे हो, तो ये जो लाइन है ए डी ये ए की बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन है सी एफ ये सी की बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन है ए बी ई ये बी की बाइसेक्टर है। ट्राइंगल आप ए बी सी पे नजर रखो। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप फोकस करोगे, मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है अगर आप उसे देखोगे तो ये आ जाएगा। ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ब्रेन तो इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जो मेरी पेंसिल चल रही है इसमें आप उसको जरा बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ठीक है। इसमें हमने पता है क्या करा है, एक कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने डी ई को, क्योंकि अब जब इस ट्राइंगल के तुम बाइसेक्टर बनाओगे, ये वाला ट्राइंगल भूल जाओ। देखो ये ट्राइंगल कैसे आया, ट्राइंगल तो असली ये है एबीसी, सर्कम सर्कल, समझ रहे हो, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस एबीसी सर्कल के पेरीमीटर को टच कर रहे हैं, ये सर्कम सर्कल का मतलब हो गया। अब जब आप ये बाइसेक्टर बढ़ाओगे, ये आगे गया तो ये यहाँ ई पे मिला, ऐसी ए का बाइसेक्टर जब आगे एक्सटेंड करोगे तो ये डी पर मिलेगा। तो जब ये ई एफ डी ऐसे पॉइंट आ गए ना तीनों के बाइसेक्टर के, तो ज्वाइन करने पे एक और ट्राइंगल बन गया। अब हमने इनके एंगल को नाम दे दिया, एक एंगल ये बना वन, इसको टू कह दिया, इसको थ्री, इसको फोर कह दिया। देखो ये ऐसे एरो करके फोर दिखा रखा, जगह नहीं है, ऐसी ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया। अब आप मुझे बताओ जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो अब सर्कल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो एंगल फाइव है, ये एंगल फाइव ये सी बाय टू हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला एंगल फाइव ये पूरे का हाफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसके। भाई आप ये देखो ना, एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। अब आप अगर देखो, मुझे देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एक बना के दिखा देता हूं। सपोज करो ये एक सर्कल है, तो ये देखिए एक सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं ना, ये देखिए ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, एंगल सेम सेगमेंट। तो आप देखिए ये फाइव और ये सी, ये जो एंगल है दिस वन, ये इक्वल नहीं होगा। तो अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो होगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, ए डी एफ जो कि एंगल फाइव है और ए सी एफ, ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो ए सी एफ को क्या लिख दिया, सी का हाफ, एंगल फाइव सी का हाफ हो गया। ऐसे ही ये वाला सिक्स हो गया, ये बी का हाफ हो गया, क्योंकि ये जो एंगल है सिक्स, ये देखिए आप ये कह सकते हो ई डी ए और ई बी ए, ये इक्वल होंगे ना दोनों। अब बी को क्या लिख सकता हूं, बी का हाफ ये वाला। तो फाइव और सिक्स जो है मैंने लिख दिया सी का हाफ और बी का हाफ, ये अगर समझ में आ गया। इसी तरह वन को ए का हाफ, टू को सी का हाफ एंड फोर्थ को ए का हाफ, थ्री को बी का हाफ। जब मैंने ये सब लिख लिया, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, आपको अभी तक हो गया होगा, बहुत ध्यान से देखिए, एंगल है ना सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी है, और हुआ तो फाइव किसके इक्वल है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, फाइव हुआ तो इक्वल है ए सी एफ के, पर सी को ए सी एफ को मैं सी का हाफ लिख सकता हूं, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर है। तो बस इसी तरह से मैंने ये सारे एंगल लिख लिए। अब फाइव और सिक्स को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पूरा एंगल चाहिए ना, मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बाय टू 90 एंगल, जो डी है वो चाहिए पूरा एंगल। तो फाइव और सिक्स को ऐड करने पर भाई मुझे मिला डी, और इधर सी बाई टू बी बाई टू को ऐड करने पर ये आ गया। अब मैं जानता हूं ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो यहां पर मैं दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दूंगा, किसको, ए को ले जाके, क्योंकि देखो मुझे ए बाई टू करना है। तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी 180 लिखा, तीनों एंगल का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, और फिर ए को उधर ले गया। अब बी बाई टू दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दिया, बी बाई टू सी बाई टू 180 का 90 हो गया ए बाई टू। अब मैंने इसकी जगह रख दिया ये, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स हो गया ना मेरा प्रूव, एंगल डी हो गया 90 माइनस ए बाई टू, बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने डी करा है, जैसे डी करा है ए बाई टू, इसी तरह एफ हो जाएगा बेटा सी बाय 90 माइनस सी बाई टू, और बी हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू। आई होप आपने ये बिल्कुल अच्छे से समझा है। वीडियो को दो बार अच्छे से क्लोजली देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज हमारे को जरूर प्रेस करिएगा और बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा हमारे फॉल्ट सजेशंस, ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर चुके।
अगर ये समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।